एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक तरफ उलट गए तो पासा पलट जाएगा और 2023 में यह घोषणा भी मामा सुलट जाएगा। जितनी जिसकी जितनी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण को समर्थन करते हैं, अहिर बार समाज हरदा जिला का पूरा पूरा समर्थन करेगी, आगे भी करती रहेगी। और जो युवाओं में शक्ति आज दिख रही है वो आने वाले समय में इसे परिवर्तन करके रहेंगी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सामाजिक न्याय यात्रा का आज राजधानी भोपाल में समापन हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भेल दशहरा मैदान पर, जहां पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तो जयस आदिवासी संगठन उनके लोग भी यहां पर मौजूद हैं। हम दिखाते हैं आपको कि हजारों जो लोग हैं वो इस भेल दशहरा मैदान में राजधानी भोपाल में यहां पर आए हुए हैं। तमाम जो मांगे हैं भीम आर्मी की जो लगातार वो उठाते रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं सूची में यहाँ पर डालें, साथ ही जो राज्य सरकार है वो आरक्षण जो है जो नौकरियाँ हैं उनमें लागू करे, उसके लिए कानून बनाए। तो आज तमाम जो मांगे हैं 25 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। वक्त हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भीम आर्मी के मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम आरक्षण के समर्थन में आज हरदा से 50 गाड़ी के साथ काफिले के साथ आए हैं और आरक्षण को समर्थन करते हैं। अहिर बार समाज हरदा जिला पूरा पूरा समर्थन करेगी, आगे भी करती रहेगी। और जो युवाओं में शक्ति आज दिख रही है वो आने वाले समय में इसे परिवर्तन करके रहेंगी। और मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया का इतना तमाम हुजूर जो आया है और आज मीडिया के आरक्षण के बचाव में पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है, इसलिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी टीम पूरे तहसील के अध्यक्ष भी यहाँ पे आए हैं, तहसील अध्यक्ष पूरे कमेटी के पदाधिकारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरकार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में आए, क्या लग रहा है आपको, क्या किस तरीके का खतरा आरक्षण पर आपको दिखाई देता है? देखिए, आरक्षण के ऊपर खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन हम आप खतरा जो मंडरा रहा है उसको काबिल नहीं होने देंगे, क्योंकि आरक्षण युवाओं को शक्ति दिख रही है, माताएं बहनों बुजुर्गों इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो ये परिवर्तन की लहर है और लहर आगे रहेगी, रुकने वाली लहर नहीं। क्या मांगे हैं, किस तरीके से आज जो जयस के लोग हैं वो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भीम आर्मी को उन्होंने समर्थन दिया है, क्या मांगे प्रमुख रूप से आपकी हैं? देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हो रहा है, बट इसमें जयस ओबीसी महासभा और अनेक ऐसे दल है जो एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी की आवाज को उठाने के लिए आज यहां पर मौजूद हुए हैं। अभी देखा गया है कि एसटी एससी एक्ट के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, दलितों को पीटा जा रहा है, घर में गधा पाला जा रहा है, कुत्ता पाला जा रहा है, बिल्ली भी पाली जा रही है, और अगर एक दलित और एक आदिवासी अगर किसी की मटकी से पानी पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी लड़ाई इस भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई है, इसीलिए आज यहाँ पर 10 लाख से भी अधिक जनता एकत्रित हुई है। और मैं चाहूंगा और मैं अन्य साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार आज एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने एकता दिखाई है, यही एकता आने वाले 2023 में इलेक्शन में भी दिखाए और 24 में भी दिखाए। यहाँ पर हम संविधान की लड़ाई लड़ने आए हैं। जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, करनी सेना वाले लोग, हम उनके मुंह पे करारा तमाचा मारेंगे। और इतने लोगों की जनता, बहुजन समाज के लोग हैं, हम यहाँ पर इकट्ठा होकर बताएंगे कि हमारी जनता जितनी ज्यादा है, मतलब जितनी जिसकी जितनी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। तो ये थी हमारे साथ जो हरसाली हैं, रायसेन से यहाँ पर आई थी, ये भी जो है आरक्षण बचाओ के लिए आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशीष पचौरी, नमूक नायक, भोपाल।